पृष्ठ क्षेत्रफल को आप ऐसे भी याद रखते हो, चार दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब भी आपसे चार दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लैटरल सरफेस याद है यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बताते हो, है ना। तो आपको यही बताया गया, दो फॉर्मूला पढ़ाए गए थे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का एक एक फॉर्मूला था। अगर मैं कहूँ कोई भी घनाभ है जिसकी लंबाई को आप एल लिख रहे हो, चौड़ाई को आप बी लिख रहे हो और ऊंचाई को एच लिख रहे हो। अच्छा, एल बी एच क्यों लिखते हैं? क्योंकि एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेथ और एच मतलब हाइट, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर एल बी एच दिया गया है तो इसका टीएसए का क्या फॉर्मूला है? तो टीएसए के लिए आप कहते हो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर एक दो लिखते हो, फिर ब्रैकेट में एल इंटू बी यानी एल बी, फिर कहते हो बी इंटू एच यानी बी एच, फिर एच इंटू एल यानी एच एल, है ना। तो ये फॉर्मूला था टीएसए का, 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अगर मैं एल बी लिख रहा हूँ तो एल बी का मतलब होता है एल इंटू बी, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंटू लिखो चाहे नहीं लिखो वो मतलब वही है, एल बी का मतलब एल इंटू बी होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, या कहो तो किसी घनाभ की चार दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? एल एस ए बराबर आप लिखते हो 2 × L + B × H, है ना। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद करने का एक तरीका बताया गया था कि इतने टर्म को आपको पहले से याद है, ये एक आयत का परिमाप है ना। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, आयत का परिमाप गुना ऊंचाई। तो ये होता है घनाभ का जो आधार होता है वह एक आयत होता है, उसका परिमाप 2 × L + B और गुना में आप एच कर देते हो तो ये चार दीवारों का क्षेत्रफल आ जाता है। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? चार दीवारों का क्षेत्रफल, फर्श और छत, इन दोनों का क्षेत्रफल को छोड़कर जो क्षेत्रफल बचता है वही पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया कहलाता है ना। तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। काफी सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया गया था आपको। पहला क्वेश्चन है आपके सामने और इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अब देखो क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, यहां पर घनावाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं दी गई है, लिखा गया है विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। तो विमा कहने का मतलब हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका मतलब है लंबाई का मान दिया गया है 8 मीटर, चौड़ाई का मान दिया गया है 5 मीटर और ऊंचाई का मान, एच का मान 4 मीटर दिया गया है ना। ये सारी चीज दी गई है, इस तरीके से लिखा गया 8 × 5 × 4, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई। बोला जा रहा है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से अगर इसकी पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है तो कितना लागत आएगा, है ना। कितना खर्च आपको लगेगा इस घनावाकार डब्बे को पेंट करने में, है ना। तो आंसर करिएगा। तो अभी मैं चैट आपका बंद कर दे रहा हूं और आंसर आपको पहले सॉल्व करिए फिर आंसर करना है आपको। देखिए आपको पता है कि किसी घनाभ घनाभ में तीन विमा होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो 8 × 5 × 4 कहने का मतलब यही हुआ कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, आपको इसे पेंट करना है और बोला गया है कि सभी सतह को पेंट करना है, पूरी बाहरी सतह को पेंट करने में कितना लागत आएगा। अगर 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 10 रुपए लग रहे हैं तो पूरे सतह को पेंट करने में कितना खर्च आएगा। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं, है ना, ये सभी ऑप्शंस रुपीज में है ना, रुपए में है ये रुपए हैं सारे। तो ये देखिएगा कौन सा आपका आंसर सही हो रहा है। अच्छा तीन आंसर आ भी गए, अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन ऐसे ही टिक नहीं करना है, पहले सोल्व करना है, सोल्व करिए, जो भी आपका सही आंसर आता है वही आंसर देना है। अगर आपको लगता है कि ये चारों ही गलत हैं, मेरा आंसर इसके अलावे कुछ आ रहा है ना, तो फिर चैट सेक्शन में आंसर देना है जब आपका चैट ओपन होगा। देखो आप पेंट किसे करते हो, है ना, कितने क्षेत्रफल को पेंट करने की बात की गई है, तो बोला गया पूरे बाहरी सतह को पेंट करना है।
20 सेकंड और है आपके पास, ठीक है? अगर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें, 20 सेकंड और है, फिर एंड करके इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो क्या गलतियां होंगी, है ना? और अगर आंसर सही है तब तो वेरी गुड, काफी अच्छी बात है। पंद्रह सेकंड और रुके, ठीक है? 15 सेकंड और है आपके पास। दस सेकंड और, ठीक है? आखिरी 10 सेकंड और है। पांच सेकंड और, जल्दी से आंसर करें सभी लोग, 5 सेकंड और है। अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं, फिर भी अब पोल को मैं 5 सेकंड में एंड करूंगा और फिर इसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब बोलिए जरा, ये रोड नया बनाया था। अच्छा, माइक बंद रखना है, माइक किसी को नहीं ऑन करना है ना, माइक एकदम ऑफ रखना है। ना चलिए, मम्मी चौबीस राजकुमार के नाम से जो बच्चे हो अपना माइक बंद करो प्लीज। तो यहां पर अच्छा 1600, ठीक है? देखते हैं कौन सा आंसर आने वाला है। चलिए अब इसको समझने के लिए देखते हैं। एक घनाकार डब्बा है, इसकी विमाएं 8 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। मतलब सीधे सीधे हम कह सकते हैं लंबाई कितना है, 8 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 5 मीटर है, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 4 मीटर है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8, 5, 4 दी गई है। अब यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया इसको पूरी बाहरी सतह को पेंट करना है। तो पूरी बाहरी सतह को अगर पेंट करना है तो इसका मतलब चार दीवारों को पेंट करोगे, डब्बे की चार दीवारों को पेंट करोगे, फर्श को पेंट करोगे नीचे वाला, और छत को पेंट करोगे ऊपर की तरफ, मतलब सभी क्षेत्रफल को, सभी सरफेस को पेंट करोगे ना, बोला गया पूरी तरह से। तो आप बताओ यहाँ पर आप TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया पूर्ण पृष्ठीय ओके क्षेत्रफल को पेंट करोगे या LSA को पेंट करोगे, ये बताओ, ए या बी, TSA को पेंट करोगे या LSA को पेंट करोगे, ये बताइए। अच्छा कोई बात नहीं नवीन, आप सुनना है, ठीक है? TSA को पेंट करेंगे, है ना, टोटल सरफेस एरिया को, क्योंकि बोला गया है पूरे बाहरी सतह को। तो पूरे बाहरी सतह का क्या मतलब हुआ, टोटल सरफेस एरिया, छत और फर्श को भी पेंट करना है ये डब्बे के, है ना? तो आप बोलोगे नहीं, TSA का मतलब है ऑप्शन है पहला वाला, है ना, TSA को पेंट करना था। तो TSA आप कैलकुलेट करोगे, TSA का मतलब क्या हुआ, 2 LB + BH + HL, है ना, यही फॉर्मूला है TSA का। तो यहां से आप बढ़ोगे तो आप क्या करोगे, 2 L का मान आपको दिख रहा है 8, B का मान आपको दिख रहा है 5, फिर से B का मान रखा 5, H का मान रखा 4, फिर से H का मान रखा 4 और L का मान रखा 8, है ना, ये सारी चीज समझ में आई। तो यहां पर क्या किया, सीधे सीधे LBH का मान रख दिया फॉर्मूला में। अब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 2, 8 गुना 5 आपको मिलेगा 40, 5 गुना 4 करोगे तो आपको मिलेगा 20, 8 गुना 4 करोगे आपको मिलेगा 32, है ना, 32 मिलेगा। हम इन दोनों सभी को जोड़ो तो 40, 20 और 32 को जोड़ा तो 2 × 92 मिल गया, है ना, 2 × 92 मिलेगा। इतना समझ में आया सभी को? अब 2 × 92 करोगे तो आपको मिल जाएगा 184, 184, है ना, और वर्ग मीटर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ये जो भी घनावकार डब्बा है, डब्बा का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 184 मीटर स्क्वायर है। अभी तक इतना ही पता चला, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर को पेंट करते हो तो आपका खर्चा कितना आता है, 10 रुपया खर्चा आता है ना, 10 रुपये आपको लग जाते हैं। तो अगर 184, अच्छा ये बताओ कि अगर 5 मीटर स्क्वायर को पेंट करना होगा, ये बताओ 5 वर्ग मीटर को पेंट करने में कितना रुपया लगेगा, ये बताइए। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 10 है तो 5 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा होगा, 50 होगा। क्या किए, 5 गुना 10 कर दिए, है ना, तो यहां से 50 आ जाएगा। पचास है लेकिन जी। हाँ 50 आएगा, लेकिन 5 मीटर स्क्वायर नहीं है, अभी हमारे पास कितना है, 184 मीटर स्क्वायर है। तो आप बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर में अगर 10 लग रहा है तो 184 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो आएगा वो 10 × 184 आएगा, यानी कितना रुपए लग जाएंगे आपको, 1840 इतने रुपए खर्चा आ जाएंगे, है ना। तो इसको पेंट करने में 1840, 1840 रुपए लग जाएंगे। क्लियर है सभी का?
तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर था। चलिए, अगर इस पेज की स्क्रीनशॉट लेनी है तो इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 5 सेकंड का समय है आपके पास। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सही उत्तर। 1840 रुपये लग जाएंगे हमारे इस डब्बे को पेंट करने के। अब एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन आप सभी को लास्ट क्लास में बोला गया था कि स्क्रीनशॉट लीजिए और सोल्व करिएगा घर पे। तो चलिए, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में ही देना है। चलिए, इसको ट्राई कीजिएगा पहले। अगर सोल्व कर लिया है आपने घर पे, तब तो आप आंसर अभी दे सकते हो कि क्या आंसर आया आपका। सर आंसर दे दिया सर। ठीक है, दे दिया तो अच्छी बात है, वेट करेंगे। ठीक है, और बाकी बच्चे जो नहीं सॉल्व किए थे, ठीक है, आपको बोला गया था लास्ट क्लास में इसको सॉल्व करके रखना है ना, आपको स्क्रीनशॉट दिखाई गई थी, बोला गया था कि स्क्रीनशॉट लेना है, घर पे सॉल्व करना है। अगर नहीं किया तो अभी सॉल्व करिए और पोल सेक्शन में आंसर देना है। और जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो तो काफी अच्छी बात है, वो जल्दी से आंसर दे सकते हैं। अच्छा, पोल सेक्शन के बारे में कोई भी डाउट है या पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता तो क्लास के एंड में रुक के पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए आप क्या करोगे, अभी जैसे ही चैट ओपन होगा, अभी तो चैट में नहीं लिख पाओगे, लेकिन जब चैट ऑन होगा तो चैट में आंसर दे दिया कीजिए। ठीक है, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अच्छा, गहराई का मतलब क्या हुआ? वो ऊंचाई ही है। कोई डब्बा अगर 3 मीटर गहरा है मतलब वो घनाफ की ऊंचाई दी गई। लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, प्लास्टिक का एक डब्बा बनाना है। और यह भी बोला गया है कि इसे ऊपर से खुला रखना है ना, ये डब्बा ऊपर से खुला हुआ है, डब्बा चारों तरफ से बंद नहीं रहेगा ना, तो ऊपर से खुला हुआ डब्बा है, कार्टून जिसे कहते हैं आप लोग, है ना। अब इस प्लास्टिक की मोटाई कुछ नहीं है, अब बोला गया है कि इसको बनाने में, अगर इसे बनाया जाए तो कितना प्लास्टिक का आवश्यकता होगा, क्षेत्रफल पूछी जा रही है। तो देखो आप कितने क्षेत्रफल आपको लगेंगे ऐसे प्लास्टिक का डब्बा बनाने के लिए। 10 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 10 सेकंड में इस पोल को एंड करके इसे डिस्कस करेंगे। पांच सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। हाँ, जिनका पोल नहीं आ रहा था, अब आप चैट सेक्शन में जाओ, अब चैट में आप लिख पाओगे, है ना, तो अभी चैट में आंसर कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए अब देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से। एक प्लास्टिक का डब्बा बनाना है ना, जिसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और गहराई 3 मीटर है। गहराई 3 मीटर का मतलब इसकी ऊंचाई ही 3 मीटर है ना, ऊंचाई 3 मीटर है। अब बोला जा रहा है कि इसे ऊपर से खुला रखना है, यह डब्बा जो है ऊपर से खुला हुआ है ना, ऊपर में कुछ भी लगा हुआ नहीं है, प्लास्टिक ऊपर से नहीं लगाई गई। मतलब चार दीवार होगी और एक बेस होगा, एक आधार होगा, छत नहीं है इसमें, ऊपर का भाग नहीं। ठीक है, अब इसे बनाने के लिए कितने प्लास्टिक सीट के क्षेत्रफल आपको बताना होगा, क्षेत्रफल कितना लगेगा। तो आप बताइए, इसको सोल्व करने के लिए आप TSA कैलकुलेट करोगे या LSA कैलकुलेट करोगे या TSA LSA कोई नहीं करोगे, ये बताइएगा। ए बी या सी, पहले ये बताइएगा, इसमें आप TSA कैलकुलेट करोगे, LSA करोगे या इनमें से कोई नहीं करोगे। चैट सेक्शन में लिख के बताइए, कोई नहीं है ना, मतलब TSA अगर करोगे तब तो 6 फेसेस का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब आपको 6 फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आप LSA कैलकुलेट किए तब आप बोलोगे या तो सर 4 दीवार के ही क्षेत्रफल देगी, है ना, आधार तो हमें लेना है, इसका मतलब ना ही TSA होगा ना ही LSA होगा। चलिए तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो ये डब्बा है, हम कह रहे हैं लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 4 मीटर है,
ऊंचाई या गहराई जो भी कह लो ये 3 मीटर है ना। अब ये ऊपर की तरफ से खुला हुआ है। अब देखो अगर ये प्लास्टिक का डब्बा बनाना है तो कम से कम 4 दीवार तो लगेगा ही ना, 4 दीवार तो हो गई। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब LSA पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, जो प्लास्टिक तो कम से कम 4 दीवार तो रहेगी ही, तो LSA कैलकुलेट किया। तो LSA का मान होता है 2L+B × H, है ना, 2L+B × H। यहां से आपको क्या मिलेगा, 2L+B का मतलब 5+4 है ना, × 3। यहां से आप आगे बढ़ोगे, 2 × 5+4 करोगे तो 9 मिलेगा, × 3 मिलेगा, है ना। तो यहां से आपको कितना मिलेगा, 54 मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब देखो, LSA 54 आया है, इसका मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल बसाया अभी, प्लास्टिक की 4 दीवार, तो इसे डब्बा नहीं बोलोगे। सिर्फ 4 दीवार रहेगी, दोनों ही तरफ से अगर खुला रहेगा तो ये डब्बा नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, एक आधार का क्षेत्रफल भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये आधार का क्षेत्रफल है ना, तो ये आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसे आप लंबाई कह रहे हो, इसे आप चौड़ाई कह रहे हो, तो आप बोलोगे सर आधार का क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस डब्बे का आधार का क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई आपका 5 है, चौड़ाई आपका 4 है, यानी 20 मीटर स्क्वायर है ना। तो यहां से आप LSA कैलकुलेट किए तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया, ये आधार का क्षेत्रफल आ गया, और ये डब्बे को बनाने में कितना क्षेत्रफल रहेगा, तो आप बोलोगे 4 दीवार रहेगी और एक आधार रहेगा, मतलब नीचे की तरफ एक प्लास्टिक का सीट रहेगा ना, ऊपर की तरफ नहीं रहेगा, ऊपर में खुला हुआ है। इसमें छत क्या है, छत नहीं है, छत तो खुला हुआ है ना। तो अब हम कहेंगे टोटल जो प्लास्टिक का जरूरत होगा कितना आवश्यकता होगी, तो ये 54 मतलब 4 दीवारों प्लस आधार, तो 54 और 20 को मैं ऐड कर दूंगा और बोलूंगा 74 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। ये क्लियर है, इतना समझ में आया कि 74 आपका आंसर आएगा, 4 दीवार प्लस एक आधार, छत नहीं है इसमें। अगर आपने TSA कैलकुलेट कर दिया, मान लो आप अगर TSA कैलकुलेट कर दिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 6 सरफेस का एरिया आ जाएगा, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल, जबकि इस डब्बे में सिर्फ 5 सरफेस है, तो 4 दीवार और एक आधार है, छत नहीं है, है ना। तो इसलिए 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना था हमें, तो ना ही TSA किया ना ही LSA किया, LSA निकाला फिर आधार निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया, तो आंसर क्या हुआ, 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर कहने का मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ये क्लियर, ये समझ में आया, तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो एन लिखिए या अपना डाउट टाइप कर दीजिए, ठीक है, जो भी डाउट हो डाउट टाइप कर दीजिए, समझ में आ गया तो वाई लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला और एक आधार का क्षेत्रफल निकाला। चलिए अब क्या करते हैं, आज अपनी पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो आज हमें क्या पढ़ना है, जिस तरीके से लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को पढ़ा, आज भी हम लोग कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट क्लास में घनाभ के बारे में पढ़ाया गया था, आज हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, यानी टोटल सर्फेस एरिया एंड लैटरल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, है ना। तो TSA एंड LSA किसका, क्यूब का, है ना, क्यूब का यानी घन का पढ़ेंगे। चलिए तो ये आपको पता है कि घन में, अगर आप घन बनाते हो तो ये आपको पता है घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, है ना, कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। वो सभी 6 फलक कैसे होंगे, वर्ग के आकार के होंगे, है ना। अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाती है, उसे ही आप घनाभ कहते हो, सॉरी घन कहते हो, है ना। तो इस तरीके का घन होता है जिसकी सभी भुजा को आप क्या कहते हो, यह भी ए है, इसकी लंबाई भी ए है, इसकी चौड़ाई भी ए है और इसकी ऊंचाई भी ए है, है ना, तीनों ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए है, ठीक है। तो इसके अगर TSA की बात करोगे, तो जिस तरीके से घनाभ में TSA आपको बताया गया, टोटल सरफेस एरिया, 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल मतलब 6 फलकों का क्षेत्रफल, तो यहां भी TSA यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब वही होगा, 6 वर्गों का क्षेत्रफल इस बार होगा, क्योंकि सभी पृष्ठ क्या है, वर्ग है, तो सभी स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल दो। आप मान लो अगर आधार को देखोगे तो आधार एक वर्ग है, ये बताइए कोई एक वर्ग है जिसका भुजा ए है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा,
किसी वर्ग का क्षेत्रफल, अगर भुजा ए है तो, नहीं सिर्फ वर्ग की बात कर रहा हूं, सिर्फ वर्ग की बात कर रहा हूं, एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। अगर भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए स्क्वायर होगा, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसा ऐसा ये ध्यान रखिएगा, घन में सभी पृष्ठ जो होते हैं बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आप लूडो का पासा को देख लो, डाइस को, तो आप डाइस में देख सकते हो कि जितने भी पृष्ठ होते हैं सभी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर एक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो सभी का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होगा, और टोटल छह पृष्ठ है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर है तो छह पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा। ये क्लियर है? तो किसी भी घन का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो जो टी एस ए होता है, वो सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल का योग होता है, और सभी छह पृष्ठ जो है ए स्क्वायर के बराबर है। तो छह बार अगर ए स्क्वायर को जोड़ोगे तो सिक्स ए स्क्वायर मिलेगा, यानी टी एस ए का मान सिक्स ए स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला आया, ये याद रखिएगा, किसी भी घन का टी एस ए कितना होगा, सिक्स ए स्क्वायर होगा। ये क्लियर है? ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि घनाव में, घनाव में क्या हुआ था, घनाव के लिए आप बोले टी एस ए का जो फॉर्मूला है, टी एस ए का जो फॉर्मूला है, ध्यान दे सुनिएगा, टी एस ए का जो फॉर्मूला है वो होता है टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब कह रहे हो घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर हो जाते हैं और वो ए के बराबर हो जाएगा, तो सभी जगह ए आप अगर डाल दोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देख लो, टू ए गुना ए, है ना, एल इंटू बी मतलब ए इंटू ए, फिर लिखोगे ए इंटू ए, फिर लिखोगे ए इंटू ए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी ए ही के बराबर हो गए। यहां से आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी टू इंटू थ्री ए स्क्वायर, यहां से आपको मिल जाएगा सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया? तो घनाव वाले फॉर्मूला से ही ड्राइव हो सकता है, है ना। तो घनाव की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कर दोगे तो वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बराबर कर दोगे तो वही घन बन जाएगा, और वहां से फॉर्मूला आ गया सिक्स ए स्क्वायर, जो सीधे सीधे आपको याद रखने। तो टी एस ए कितना आया, घन का सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, छह पृष्ठों का क्षेत्रफल सिक्स ए स्क्वायर। अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया की। तो लैटरल सरफेस एरिया किसे कहते हैं, जिस तरीके से घनाव में बोला गया चार दीवारों का क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे, तो घन में भी घन के चार फलकों का क्षेत्रफल, मतलब आधार को और छत को, है ना, आधार और छत को छोड़ देना है। अगर किसी घनावाकार कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल आप ऐड कर दोगे तो चार पृष्ठों का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा, लैटरल सरफेस एरिया कहलाएगा, मतलब ऊपर और नीचे वाले को छोड़ देना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, हाँ इसका क्या फॉर्मूला है, तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो फोर ए स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है चार पृष्ठों को ऐड करना है ना, चार पृष्ठों को ऐड करना है। देखो यहाँ लिखा है चार फलकों का क्षेत्रफल, तो एक फलक का क्षेत्रफल आपको पता है ए स्क्वायर, तो चार पृष्ठों का क्षेत्रफल फोर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है किसी घनाव के लिए, सॉरी घन के लिए एल एस ए का मतलब फोर ए स्क्वायर। ठीक है, तो घन का जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, चार दीवारों का क्षेत्रफल होगा, फोर ए स्क्वायर के बराबर होगा। इतना क्लियर है? अच्छा, किसी का माइक ऑन है, जिनका भी माइक ऑन है पहले माइक बंद करना है। चलिए, ये समझ में आया, एल एस ए का मान फोर ए स्क्वायर हुआ। ठीक है, मतलब यहां पर हम आधार को छोड़ दिया हमने और छत को छोड़ दिया, अब जो चार दीवार बची चारों दीवार के क्षेत्रफल को ऐड कर दिया, फोर ए स्क्वायर आया। तो एक साथ आपको ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए दिख रहे हैं, जल्दी से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लेना। टी एस ए घन का टी एस ए सिक्स ए स्क्वायर एंड एल एस ए पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल फोर ए स्क्वायर, सभी ने नोट कर लिया? ओके दीपेंद्र, ठीक है, ये समझ में आया, फॉर्मूला साथ के साथ लिख लो, टी एस ए बराबर सिक्स ए स्क्वायर, एल एस ए बराबर फोर ए स्क्वायर, क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन नंबर 44 है, एक घन के आकृति का एक डब्बा है, डब्बे के किनारे 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
सभी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है ना, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है। अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं और आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। अच्छा हाँ नितिन, अभी आप अगर अभी ज्वाइन किए हो तो ये ध्यान रखिएगा, किसी घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, दो फॉर्मूला बताए गए, बस और कुछ नहीं बताया गया। टीएसए का एक फॉर्मूला बताया गया, 6a² है ना, ये क्या है, उसका एक किनारा या एक भुजा है ना। एलएसए का फॉर्मूला बताया गया, 4a² है ना। एलएसए का मतलब होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल, टीएसए का मतलब होता है चार दीवारों, छत और फर्श, सभी 6 फलकों का क्षेत्रफल है ना। तो घन घन के आकार का डब्बा है, एक किनारा अगर 10 सेंटीमीटर है तो डिब्बे का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा। अच्छा यहां पर एक किनारा अगर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया और यह बोला गया कि वो घनाकार है, तो इसका मतलब लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर हो गई है ना। तो घन बोलने का मतलब हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होंगे, और एक भी किनारा अगर दिया गया है तो आप कह सकते हो सभी किनारों की लंबाई बिल्कुल इक्वल होगी। चलिए अभी कुछ बच्चों के आंसर आ भी गए हैं। अच्छा अच्छी बात है कि सभी मैक्सिमम लोगों के आंसर सही आए हैं, कुछ बच्चों को छोड़कर मैक्सिमम सभी के आंसर सही है, फिर भी काफी कम आंसर आए। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 15 सेकंड में इस पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। हाँ सचिन के नाम से जो बच्चे, अपना कैमरा बंद कर दोगे प्लीज, वीडियो ऑफ रखना है, ठीक है। राहुल सर कैमरा सी बंद रखना, हाँ माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है। जो भी आंसर होगा आपको जो भी लगता है पोल सेक्शन में आंसर दीजिए, ठीक है। पोल के बारे में अगर नहीं पता या पोल नहीं आता तो जब आपका पोल ऑन होगा, सॉरी चैट जब ऑन होगा, चैट में आंसर करना, माइक नहीं ऑन करना। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और अब आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, अगर आंसर पोल में नहीं दिए। चलिए तो आप समझते हैं, यहां बोला गया है कि एक घन के आकृति का एक डब्बा है, इसकी एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब साफ साफ आपको पता है अगर एक किनारा 10 सेंटीमीटर है मतलब इसके सभी किनारे 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यह भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 10 सेंटीमीटर के ही बराबर हो जाएगी, है ना, 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर एक किनारा a के बराबर है ना, एक किनारा a के बराबर है, किनारे को हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एक भुजा कह सकते हो या एक किनारा कह सकते हो। एक किनारा अगर 10 सेंटीमीटर है और इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछी जा रही है, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, टी एस से पूछा जा रहा है ना, तो टी एस से पूछा जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछी जा रही है ना। तो टी एस ए कितना होगा, टी एस ए का फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा, 6a² है ना। अगर एक किनारा a के बराबर है तो टी एस ए 6a² के बराबर होता है। अब यहां पर आप 6 लिखोगे, ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर है ना, 10 का वर्ग, ठीक है। अब 10 का वर्ग कितना होता है, 10 का वर्ग आपको पता है 100 होता है ना, 10 गुना 10 करोगे 10 का वर्ग कितना आएगा, 10 गुना 10 यानी 100 है ना। तो यहां से आंसर कितना आया, 600। और इकाई क्या डालोगे, इकाई बोलोगे कि यह एक क्षेत्रफल है ना, एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, तो यहां से आप बोलोगे cm², क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वर्ग इकाई होता है ना। तो आंसर कौन सा सही था, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था, ये क्लियर है सभी का। तो अगर एक किनारा दी जाएगी तो आप टोटल सरफेस एरिया बता सकते हो, कुल क्षेत्रफल बता सकते हो, समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, सीधे सीधे फॉर्मूला का यूज करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगले क्वेश्चन में एक घनाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दी गई है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर,
डब्बे का किनारा पूछा जा रहा है, मतलब एक एज की मान पूछी जा रही है, तो किनारे की लंबाई बताइए। फॉर्मूला वही लगेगा, टोटल सरफेस एरिया का जो भी फॉर्मूला है आप उसे यूज करें और ट्राई करें आंसर करने का। एक घन की आकृति का एक डब्बा है, उसका कुल क्षेत्रफल दिया गया है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। डब्बे का किनारा यानी ए का मान पूछा जा रहा है, किनारा को आप ए से लिखते हो ना। अगर कुल क्षेत्रफल 1350। अच्छा दीपेंद्र माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है, कई बार आपको बोला जाता है ना, आप तो इतने दिन से क्लास कर रहे हैं। और जिनका आंसर हो गया थोड़ी देर वेट करेंगे, ठीक है, बाकी सभी बच्चे आंसर दे देते हैं, फिर इसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए 15 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, 15 सेकंड और है आपके आखिरी। घनाकार डब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर दिया गया है तो डब्बे का किनारा क्या होगा। अच्छा आपका आंसर अगर इनके अलावा आता है, ए बी सी डी आपको लगता है सभी गलत है, तो जब चैट ऑन होगा चैट में आंसर लिख दिया करना अपना, जो भी आपका आंसर आता है। चलिए 10 सेकंड और। पांच सेकंड और, 5 4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और देखो अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। अब देखिए यहां पर बोला गया है एक घनाकार डब्बा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि यह घना है या घन है। तो बोला गया है क्यूबिकल है ना, क्यूबिकल का मतलब क्यूब है, घन है, घनाकार डब्बा है। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, अगर मान लो उसका किनारा जो है ना, किनारा या एज जो है घन का, वो अगर ए के बराबर है तो टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे टीएसए मतलब टोटल सर्फेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला कितना है। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है 6a² है ना, 6a² का फॉर्मूला होता है। अब यही 6a² का जो मान है, 6a² का मान ही तो दिया रखा है ना, 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का ही मान 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो यहां से आप क्या करोगे, ए स्क्वायर का मान निकाल लोगे। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया, 1350/6। इतना क्लियर है सभी को, 1350/6 आया। अभी इसको काटो, 1350 को अगर 6 से काटोगे तो इस तरीके से काटोगे आप, 6 2 12, 6 2 12 एक हासिल, एक आया वो 15 बन गया है ना, फिर 6 2 12 3 यानी 6 5 30 है ना, तो यहां से आपको मिलेगा 225। तो ए स्क्वायर का मान आया 225, तो ए का जो वर्ग है वो 225 के बराबर आया। अब बताओ 225 किसी नंबर का वर्ग है क्या, और है तो किस नंबर का वर्ग है। तो यहां से आप बोलोगे ए का जो मान होगा सर वो 225 का वर्गमूल ले लेंगे। तो ये आपको कई बार बताया जा चुका है कि अगर किसी का वर्ग आपको पता है तो वर्गमूल ले लेंगे ए का मान निकालने के लिए, भुजा का मान निकालने के लिए। और 225 आपको पता है कि 15 का जो वर्ग होता है, 15 के वर्ग को ही 225 कहते हैं, सीधे सीधे याद कर लेना है ना। तो 1 से 25 तक तो याद कर नहीं है आपको, तो ये 15 × 15 है ना, और यहां से आपको मिल जाएगा 15, क्योंकि दो बार अंदर में है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो ए का मान यानी किनारे का मान 15 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनका गलत भी हो गया। अब ये बताइए कि अब समझ में आ गया ना विजय, अब समझ में आया, जिनका भी गलत हुआ अब तो समझ में आ गया कि क्या गलती हुई आपसे। तो इसलिए आपको बोला जाता है ट्राई जरूर करना है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। चलिए
तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारा 15 सेंटीमीटर आया। अब अगले क्वेश्चन में देखो, आपको यह दिया गया है कि एक घनाकार डब्बा है, फिर से घन कहीं आकृति का डब्बा है, और इसका किनारा 15 सेंटीमीटर है, और आपसे इस पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया पूछी जा रही है। तो ट्राई कीजिए, इस बार आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको सीधे सीधे अभी बोला गया था, नोट कर लेना है, अभी सिखाया गया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? चार दीवारों का क्षेत्रफल। देखिए क्या आंसर आएगा आपको। अच्छा, माइक नहीं ऑन करना, पहले ही बता दे रहा हूं, माइक ऑन करके आंसर किसी को नहीं देना है। आंसर या तो पोल में देना है, पोल के बारे में नहीं पता या पोल नहीं आता तो चैट में आंसर देना है। किसी घनाकार डब्बे का किनारा अगर 15 सेंटीमीटर है तो डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? दस सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से सॉल्व करना, सीधे सीधे फॉर्मूला आपके पास है ना लैटरल सरफेस एरिया का, लेकिन ये देखना है कि लैटरल सरफेस एरिया यूज कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो। घनाफ का नहीं यूज करना है, घन के बारे में बोली गई तो घन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो घन का लैटरल सर्फेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो जल्दी से आंसर कर सकते हो। 5 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। तो चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, अब हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहां पर आपको यह बोला गया, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे सबसे पहले दिखेगा कि एक डब्बा जो है ये घन के आकृति का है, इसका किनारा जो है 15 सेंटीमीटर है, और किनारे को आप ए लिखते हो ना, ए का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। एक भुजा कह सकते हो, एक किनारा कह सकते हो, या कह सकते हो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर है, तो कुछ भी कह सकते हो, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई है ना। तो 15 सेंटीमीटर लंबाई भी है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई भी है, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है, और एक किनारा कहते हैं उसे, ठीक है। अब यहां पर हम अगर आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछी जा रही है, लैटरल सर्फेस एरिया पूछा जा रहा है। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को एल एस ए लिखा जाता है ना, तो एल एस ए या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? बोलोगे एल एस ए होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। एक आधार को अगर ले लोगे या कोई भी एक दीवार को ले लोगे या कोई भी एक पृष्ठ को ले लोगे तो उसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। चार पृष्ठों का क्षेत्रफल 4a² के बराबर हो जाएगा, है ना। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर ए स्क्वायर है तो चार पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होगा। अब इसमें बस मान रख देना है, चार की जगह पर चार रख दिया, एक की जगह पर आप 15 रख दोगे, 15 का वर्ग कर दोगे, है ना। यहां से आपको मिलेगा 4, 15 का वर्ग सीधे सीधे आपको पता है 225, अभी भी लास्ट क्वेश्चन में भी यूज आया था, 15 का वर्ग 225। अब यहां से आप गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 को 225 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 900, है ना, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया सभी को? सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना था, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। सर इसे एक और फिर समझा दीजिए प्लीज। ठीक, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूँ, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आप बोलोगे एल एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? इसी घन के लिए एल एस ए का फॉर्मूला 4a² होता है। 4a² क्या है? चार दीवारों का क्षेत्रफल घन के लिए। अब चार के जगह पर तो मैं चार ही रख रहा हूँ, ए के जगह पर क्या रखूंगा? ए किनारा है तो किनारा का मान रख दीजिए, तो 15 का वर्ग रख दिया, है ना, 15 का वर्ग कर दिया। अब इसका मतलब 15 का वर्ग 225 होता है। सीधे सीधे आपको याद रखना, अगर आपको ये लगता है कि 15 का वर्ग कैसे कर दिया, तो या तो आप 15 गुना 15 कर लो, है ना, तो आपको 225 मिल जाएगा,
नहीं तो सीधे सीधे आपको याद होने चाहिए, 1 से 25 तक आपको बोला गया सभी के वर्ग याद रखने, ठीक है। अब इसको आप गुना करो, इसको गुना करने आपको आता है 5, पहले क्या करोगे 5 को 4 से गुना करोगे, 5 4 20 जीरो, कैरी आपका 2 आया, ठीक है। फिर 4 2 8 ये 0, 9 10 0, फिर एक कैरी आया 4 2 8 1 9, है ना, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हमारा आंसर। क्लियर है सभी का? हाँ, 6 से स्क्वायर लगा दिया ना, तो 6 से स्क्वायर नहीं लगाना था, जब टीए से पूछा जाएगा तो 6 से स्क्वायर लगाओगे समीर, ठीक है। एल से पूछा जाएगा 4 स्क्वायर लगाओगे, क्लियर है? चिंता, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज आपको सारी चीजें पता है फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हाँ चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक घनाकार डब्बे का पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी एल एस ए का मान दिया गया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डब्बे का किनारा यानी ए का मान आपसे पूछी जा रही है, तो ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं चैट को बंद कर रहा हूं, अभी आपका अभी चैट में कुछ नहीं लिख पाओगे, सीधे सीधे फॉर्मूला में मान पुट करना है, ए का मान बताना है कितना आएगा। एक घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया अगर दिया गया है, तो आप किनारों किनारे का मान यानी किसी भी एक किनारे की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। पहले एलएसए का फॉर्मूला लिखना है, खिंट बता दे रहा हूँ, एलएसए का फॉर्मूला लिखना है, जो भी फॉर्मूला आपको पता है एलएसए का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का घन के लिए, उसी का मान दिया गया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां से आप कैलकुलेट करो, सोल्व करो, देखो आपका क्या आंसर आ रहा है, ए का मान क्या आ रहा है। और हाँ, आज क्लास के एंड में जब आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क नोट करने के बाद कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, आज आपको एक लिंक दी जाएगी, उस लिंक को क्लिक करके एक फॉर्म आप सभी को भरना है, इसलिए क्लास कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, 10 सेकंड में हो जाना चाहिए अब ये क्वेश्चन, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दी गई है तो भुजा या किनारे की लंबाई क्या होगी, 10 सेकंड में पोल को एंड किया जाएगा। आखिरी 5 सेकंड और है, पांच 4 3 2 1, तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है, तो अब समझना है, ठीक है। अब मैं ये सारी चीजों को मिटा के देखो, यहां पर बोला जा रहा है एक घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 1024 1024 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई, डब्बे का किनारा आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर से वही चीज कर जो दिया गया है उसे लिख दो, तो एलएसए यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप एलएसए लिखते हो ना, लैटरल सरफेस एरिया, चार दीवारों का क्षेत्रफल, तो एलएसए का मान कितना है, एलएसए का फॉर्मूला कितना है, तो फॉर्मूला आपको पता है 4a² के बराबर होता है, एलएसए का फॉर्मूला 4a² के बराबर होता है चार दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसी का मान हमें पता है 1024 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो जो दी गई थी उसे लिख दिया। अब यहां से अगर ए स्क्वायर आप कैलकुलेट करो तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 1024 बटा 4, और इसे आप काटोगे तो 4 से कितने बार में कटेगा, 4 से कटेगा 4 2 8, है ना, 4 से काटोगे तो 4 2 8, फिर 2 हासिल आएगा 22 बनेगा, 4 4 5 20,
फिर 4 6 24 है ना, 4 6 जाए यानी 256 आ जाएगा है ना, 1024 को 4 से काटोगे तो 256 बार में कटेगा। यहां से आपको पता चला ए स्क्वायर, ए का वर्ग जो है 256 के बराबर है, तो ए का मान कितना आएगा, ए का मान बोलोगे वर्गमूल 256 है ना, वर्गमूल 256। अब 256 किसका वर्गमूल है, तो आप बोलोगे सर 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 के बराबर है ना, तो 16 का स्क्वायर अगर 256 के बराबर है तो 256 को आप लिखोगे 16 × 16 है ना। अब यहां पर इस तरीके से लिख दिया ए इक्वल टू रूट ओवर 16 × 16 और यहां से ए का मान 16 आ जाएगा। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा भुजा का मान। इतना क्लियर है तो वाई लिखिए, ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर हमारा सही उत्तर है। अच्छा हाँ दीपेंद्र, अगर आपको कुछ लिखी हुई दिख रही है ना तो वो टाइपिंग नहीं आ रही है, आपने शायद एक सीसी का ऑप्शन, देखो आपके मोबाइल पर एक सीसी करके कुछ लिखा हुआ होगा, तो इस वाले पे आपने गलती से क्लिक कर दी है ना, इसे आप फिर से क्लिक कर दो सही हो जाएगा, ठीक है, तो सीसी को क्लिक नहीं करना होता है। तो ए का मान 16 सेंटीमीटर आया, तो हमारे घनाकार डब्बे का अगर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो चार तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने सीखा है ना, चार तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला क्या, एक किनारा देके आपसे पूछा जा सकता है टीएसए का मान, ठीक है, एक किनारा देके आपसे पूछा जा सकता है एलएसए का मान, ठीक है, यानी लैटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दो तरह का क्वेश्चन तो ऐसे आएगा। उसके बाद टीएसए का मान दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा ए का मान बताइए यानी किनारे का मान बताइए, या फिर कहा जा सकता है कि एलएसए दे दिया गया तो ए का मान बताइए, ठीक है, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देकर भी ए का मान यानी किनारे का मान पूछा जा सकता है, ठीक है, ये सभी को समझ में आया। इतना क्लियर, चार तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, इसका आंसर आपको चैट सेक्शन में ही देना है। अगर मैं एक घना बना दूं, ठीक है, इसकी एक किनारा ए का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका आप टीएसए भी बताइए और इसका आप एलएसए भी बताइए, दोनों ही चीज आपको सॉल्व करना है, चैट सेक्शन में आंसर देना है। चलिए चैट सेक्शन में आंसर देना है, तो आंसर आ रहे हैं 256 और 384 है ना, तो जो भी आपके आंसर है मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, तो एक आंसर आया है 256, मैक्सिमम बच्चों के आंसर यही आ रहे हैं 384 और 256, मतलब टीएसए का मान सभी के आ रहे हैं 384 और एलएसए का मान आ रहा है 256 है ना, ये एलएसए का मान आ रहा है, ठीक है, तो देखते हैं सभी का ये आ रहा है क्या। चलिए तो देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है, तो टीएसए के लिए आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ये 6 ए स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 6 × a² ए का मान 8 रख दिया 8² यानी 6 × 64 है ना। यहां से आप अगर सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 6 × 4 = 24, 4 हासिल 2 आया 36, 2 = 38 है ना, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल
सही आंसर था, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, टीएसए का मान 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर था टीएसए का मान। एलएसए कितना आएगा, तो एलएसए के लिए आपको फॉर्मूला है 4a स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू ए का मान 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया तो यहां से मिला हमें 4 × 64, यानी इसको सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4 × 4 = 16, 6 × 1 = 24, 125, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सभी के आंसर सही थे, 256 एंड 384। ये समझ में आ गया सभी को, इतना क्लियर है। चलिए तो अभी क्या होगा, अभी एक लिंक आपके चैट सेक्शन में जाएगा, ठीक है।